मैं आज माता जी के साथ रामायण देख रहा था, और रामायण में मैंने देखा कि वो विश्वामित्र बोल रहे हैं कि तुम्हारे पूर्वज जो थे वो गंगा को लाए, और दूसरा जो है कबूतर के लिए अपने सर कटवा लिए, हाथ कटवा लिए, फिर हरिश्चंद्र हुए, उसके बाद राम हुए, उसके बाद श्री कृष्ण हुए 5000 साल। पर देखा गया है आप लोगों को 30 साल हो गया है, 40 साल हो गया है, आपने वेद नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा है, और आप बोल रहे हैं कि आप हिंदू हैं, बड़ा गर्व है आपको, इतना पुराना डाटा है आपके पास है, ऐसे गर्व से काम नहीं चलेगा। जैसे अभी देखिए दुर्गा पूजा आ रहा है, आप पढ़ेंगे तो इसको पता चलेगा, दुर्गा पूजा में इन 9 दिन निश्चित विजय साधना आप कर सकते हैं, किसी भी चीज में आप जिसको आज भिखारी समझ रहे हैं वो भी निश्चित विजय साधना कर सकता है, जैसे मोदी ने किया, आज चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, निश्चित विजय साधना। इसलिए बोलते हैं कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, और आप लोग भी करो, हिंदू बनो, कम से कम माता जी के शरण में जाओ, 9 दिन करो, तब कम से कम तुम्हारे बड़े हिसाब होता है कि हाँ चलो ठीक है 9 दिन किया। मुस्लिम अपना 30 दिन कर रहे हैं, इन्होंने 9 दिन किया कुछ नहीं करे, हिंदू हो विशेषकर आज देखा जाता है कि लोग थोड़ी सी बात पर माँ को गाली देते हैं। हमारे उड़ीसा में मालिका में लिखा है कि जब कलयुग अंत होगा, ये 22 से लेके 29 इस 7 साल में जो बचेगा वो आगे जाएगा बहुत जल्दी। देखिए रूस का युद्ध कैसा बढ़ रहा है यूक्रेन की तरफ, अभी बहुत जोर युद्ध बढ़ने वाला है, 2023 में आपको दिख जाएगा कि कितना ज़्यादा युद्ध का परिस्थिति सृष्टि होगा। हाँ तो इंडिया में थोड़ा कम होगा हमेशा, जैसे कोरोना पहले बाहर हुआ बहुत लोग परेशान हुए, इंडिया में इतना नहीं हुए, इसी तरह आप लोग इतना नहीं होंगे, उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में नहीं होगा, इंडिया में भी होगा, आप हिंदू सुधर जाओ। कम से कम दुर्गा माता के शरण में जाओ, उसी ने सृष्टि किया है इस सृष्टि का, वो है प्रकृति माता, दुर्गा माता। देखो आज कैसे बात बोलता हूँ, दुर्गा माता कौन है एक एक एक, एक लाइन बोलता हूँ आपको पता चलेगा। रमा वाणी सभ्य दक्षिणे सेविताये नमः, रमा यानी लक्ष्मी माता, वाणी सरस्वती माता, रमा वाणी सभ्य दक्षिणे सेविताये नमः। जिन लोगों का आप पूजा करते हैं लक्ष्मी माता के एकदम, ओ क्यों नहीं माता आती घर में, बड़ा दुख है, पर उसके ऊपर भी कुछ है हिंदू धर्म में आपको पता नहीं। रमा वाणी सभ्य दक्षिणे सेविताये नमः, दुर्गा पूजा में बोलूँगा में कॉन्टैक्ट करना मुझे तो 10 नाम मिलेंगे आपको, बस उसी को एक बार जप कर लिया तो जिंदगी सुधर जाएगी। आज बहुत बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं, कल देखो एकदम भिखारी हो गया हम लोग, मैंने बहुत देख लिया, 45 साल हो गया मेरे को, बहुत देख लिया टाउन में, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र मेरा टाउन में, आधा उम्र टाउन में भी था आधा उम्र गांव में भी था, सब पता है मुझे गांव में कैसा है टाउन में कैसा है, मेरे पास जितना डाटा है आपके पास नहीं है, ओरिजिनल हिंदू जो होता है उसी के पास एकदम डाटा होता है, पूरा पता है मेरे को। ये बोला कि 22 से 29 आपका जो भी समय आ रहा है उसी में जो बचेगा उसी में आगे चल जाएगा, बस बचना मतलब उसके लिए अभी से शुरू कर दो, दुर्गा माता के शरण में जाओ, ये आपके लिए 7 साल में, ये मान लो ये पहला साल है, आप ये अभी से उसके दुर्गा माता के शरण में जाओ।
बहुत से उपाय हैं, आपको किस मंत्र चाहिए मैं वो मंत्र दे दूंगा। मैंने बहुत से साधना किए, एक दो नहीं कि एक मंत्र बोल दूंगा हाँ दिखाऊंगा कि मंत्र मालूम है, ऐसा नहीं है। बहुत से मंत्र मालूम है, मैंने बहुत से साधना किए और जो साधना करता हूँ उसका नवरात्रि नवमी के दिन उसका यज्ञ भी देता हूँ। तो आप लोग भी अगर हिंदू के होने का गर्व है तो माता के शरण में आओ, कल से शुरू हो रहा है। इस साल कैसे भी करके शुरू कर दो तो अगले साल तुम इस तो थोड़ा सा भी कर दोगे इस बार तो माता का जो शक्ति है वो आपको हेल्प करता है कि नहीं करता है आपको पता चल जाएगा। 9 दिन के अंदर जब भी आपको आप मुझे आकर मिलना पड़ेगा। अगर आपको विश्वास है तो आप व्हाट्सएप में भी काम चला सकते हैं, विश्वास नहीं है तो मिलना पड़ेगा। अभी मिलो या कभी मिलो, आया सुधर जाओ, माँ के शरण में जाओ। और लास्ट मैसेज यही है कि ज़्यादातर मैं लोग देख रहा हूँ माँ को गाली दे रहे हैं, माँ ड्यास बोल रहे हैं लोग, बात में माँ ड्यास बोल रहे हैं। मालिका में लिखा है जो लोग माँ को गाली देते होंगे, अभी कृष्ण का समय चल रहा है, कलयुग का अंत हो रहा है, मालिका का पूरा सब एकदम सार मालूम है मुझे। तो पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो मूर्खों को पढ़ने का ज़रूरत है एकदम, उनको एकदम पूरा सब पता होना चाहिए क्योंकि बुद्धि नहीं है। हम लोगों को एकदम पूरा पढ़ा पर सार पता हो गया उतना काफ़ी है। सार इतना है कि अभी से सुधर जाओ और माँ को गाली देना छोड़ दो और माँ को कष्ट देना छोड़ दो। उन्हीं लोगों को पहले मारेगा, वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जो हो। पहले काली माँ का समय आ रहा है, 26 से 27 का समय वो काली माँ का होगा। अभी 22 चल रहा है, बहुत परेशानी आने वाला है 22 के बाद वो जो शुरू होने वाला है। विशेषकर जो लोग माँ को गाली दे रहे हैं, माँ को कष्ट दे रहे हैं, उन्हीं लोगों को पहले माँ मारे। सुधर जाओ, अभी से भी माँ के शरण में जाओ, माँ की पूजा करो। माँ की पूजा करने से क्या होता है, कम से कम इतना बुद्धि तो आता है कि अपने माँ को कष्ट नहीं देंगे, क्योंकि माँ का पूजा करेंगे तो माँ को कैसे कष्ट देंगे, इतना बुद्धि तो आएगा। कम से कम जाओ दुर्गा माँ की पूजा करो। जय जगन्नाथ, सुधर जाओ।